नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष। आज हम बात करेंगे आज के दिन हुए एक ऐसे हादसे के बारे में जिसको हमारा देश कभी नहीं भूल सकता। 38 साल पहले आज ही के दिन 1984 में 2 दिसंबर की रात को भोपाल में मौत ने ऐसा तांडव मचाया कि आज तक उसके जख्म नहीं भर सके हैं। इस घटना ने पूरी व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी थी। पूरी मानवता को भोपाल गैस ट्रेजेडी ने कहां से कहां पहुंचा दिया था। आइए आज हम उस हादसे को महसूस करते हैं और जानते हैं कि कैसे पूरी दुनिया के लिए ये हादसा एक सबक बन गया। घटना भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड के कारखाने में जहरीली गैस लीक होने से हुई थी। इसने पूरे शहर में मौत का तांडव मचा दिया था। हादसा यूनियन कार्बाइड इंडियन लिमिटेड के पेस्टिसाइड प्लांट में गैस लीक होने से हुआ था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस लापरवाही की वजह से 558,125 लोग मिथाइल आइसोसाइनेट गैस को दूसरे जहरीले केमिकल के लीक होने की चपेट में आ गए थे। इस हादसे में तकरीबन 25,000 लोगों की जान गई थी। इस ट्रेजेडी के बाद यूनियन कार्बाइड के मुख्य प्रबंध अधिकारी वारन एंडरसन रातों रात भारत छोड़कर अपने देश अमेरिका रवाना हो गए थे। घटना ने न सिर्फ उस पूरी नस्ल को बल्कि आने वाली नस्ल को भी बर्बाद कर दिया। ट्रेजेडी के बाद भोपाल में जिन बच्चों ने जन्म लिया उनमें से कई विकलांग पैदा हुए तो कई किसी और बीमारी के साथ इस दुनिया में आए। यह भयानक सिलसिला अभी भी जारी है और प्रभावित इलाकों में कई बच्चे असामान्यताओं के साथ पैदा होते आ रहे हैं। 7 जून 2010 को आए स्थानीय अदालत के फैसले में आरोपियों को सिर्फ 2-2 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन सभी आरोपी जमानत पर रिहा भी कर दिए गए। बता दें कि यूनियन कार्बाइड इंडियन लिमिटेड के तत्कालीन मुखिया और इस ट्रेजेडी के मुख्य आरोपी वारन एंडरसन की भी मौत 29 सितंबर 2014 को हुई थी। इस हादसे पर 2014 में फिल्म भोपाल द प्रेयर ऑफ रेन बनाई गई थी। इस ट्रेजेडी को बीते 38 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी सरकार पीड़ितों के दर्द पर मरहम नहीं लगा पाई है। पीड़ित मुआवजे समेत बुनियादी सुविधा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। गैस पीड़ितों के हितों के लिए पिछले 3 दशक से अधिक समय से काम करने वाले भोपाल गैस पीड़ित महिला आयोग संगठन के संयोजक अब्दुल जवार की भी मौत हो चुकी है। अपनी मौत से कुछ ही दिन पहले उन्होंने कहा था कि हादसे के 34 साल बाद भी ना तो मध्य प्रदेश हो ना ही केंद्र सरकार ने इसके नतीजों और प्रभावों का कोई आकलन करने की कोशिश की। उनका कहना था कि 14 और 15 फरवरी 1989 को केंद्र सरकार और अमेरिकन कंपनी यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन के बीच हुआ समझौता पूरी तरह से धोखा था। उनके तहत मिली रकम का हर एक गैस प्रभावित को 5वें हिस्से से भी कम मिल पाया है। लगातार गैस प्रभावितों को स्वास्थ्य सुविधा, राहत और पुनर्वास मुआवजा, पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति और न्याय, इन सभी के लिए लगातार लड़ाई लड़नी पड़ी है। जवार के अनुसार समझौते के तहत मृतकों और घायलों की संख्या बहुत ही कम दिखाई गई थी। और ये थी मेरी आज की भोपाल गैस ट्रेजेडी से रिलेटेड वीडियो। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही वीडियोस लेके आऊं तो मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।